दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इक्विटी डीलर जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। ये जॉब क्या होता है, इस जॉब में आपको क्या करना पड़ता है, आप कैसे ये जॉब हासिल कर सकते हो, इस जॉब में कितनी आपको सैलरी मिलती है, ऐसी और भी बातें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इक्विटी डीलर होता है उसका काम मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि वो काम क्या करता है। देखिए दोस्तों, जो इक्विटी डीलर का काम होता है वो ये होता है कि क्लाइंट के ऑर्डर एग्जीक्यूट करना। वो फोन पे क्लाइंट के ऑर्डर लेता है और सिस्टम में पंच करता है। ये बेसिक काम होता है इक्विटी डीलर का, क्लाइंट से ऑर्डर लो और सिस्टम में पंच करो। इसके अलावा जो इक्विटी डीलर होता है उसे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब उसकी जो भी क्यूरीज होती है, क्लाइंट की जो भी क्यूरीज होती है उनको सॉल्व करना पड़ता है, उनके आंसर उनको देना पड़ता है। कंपनी के जो रिसर्च कॉल आते हैं वो क्लाइंट को फॉरवर्ड करना पड़ता है, क्लाइंट को बताना पड़ता है कि कंपनी का रिसर्च कॉल है, आप ये ट्रेड ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि इक्विटी डीलर का जो फोकस होता है वो रेवेन्यू बनाने पे होता है, मतलब ब्रोकरेज बनाने पे होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज बने उस पर इक्विटी डीलर का फोकस होता है। तो उसके लिए वो क्लाइंट को कॉल प्रोवाइड करेगा रिसर्च के, तो क्लाइंट वहां पे ट्रेड लेगा तो उससे ब्रोकरेज बनेगा। तो जितना ज्यादा ब्रोकरेज बनेगा वो इक्विटी डीलर के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इक्विटी डीलर को सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि सैलरी कितनी मिलती है, इंसेंटिव कैसा होता है। बट तो ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज बनाने में इक्विटी डीलर का फायदा है। फिर एंड ऑफ द डे, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद में ईओडी कंफर्मेशन इक्विटी डीलर को देना पड़ता है, मतलब क्लाइंट लोगों को फोन करके बताना पड़ता है कि दिन भरे में आपके ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, ये आपके ट्रेड थे, इसके बारे में क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, रिकॉर्डेड लाइन पे ये उन्हें कंफर्मेशन देना पड़ता है। ये बेसिक काम होता है इक्विटी डीलर का। और अगर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि आजकल कंपनी क्या है कि इक्विटी डीलर के साथ साथ फिर आफ्टर मार्केट अवर उनसे सेल्स भी करवाती है। सेल्स अगर कोई कंपनी आपसे करवा रही है तो उसमें आपको वो इंश्योरेंस बेचने के लिए बोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेचने के लिए बोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट एक्वायर करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो। कुछ कंपनी रहेंगी जहां पे मतलब डीलिंग का भी पार्ट रहेगा आपका और थोड़ा सेल्स का भी पार्ट रहेगा। कुछ कंपनी, बहुत कम कंपनी ऐसी बट है ऐसी कंपनी जहां पे आपको प्योरली इक्विटी डीलर का ही काम करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी में आप जा रहे हो। बट आप बेसिक ये मान के चले कि इक्विटी डीलर का जो काम होता है वो ब्रोकरेज बनाने पे होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज बननी चाहिए, कंपनी इक्विटी डीलर से यही चाहती है। दोस्तों, अगर आपको इक्विटी डीलर बनना है तो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ सेबी गाइडलाइन के हिसाब से आपके पास में एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एनआईएसएम की एक एग्जाम होती है, एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आप ग्रेजुएट हो, कोई भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो तभी चल जाएगा। आप कॉमर्स बैकग्राउंड जरूरी यहां पे नहीं है, कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया चल जाएगा। बट उसके साथ साथ सेबी गाइडलाइन के हिसाब से आपके पास में एनआईएसएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि होता है सीरीज 8 एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये नाम है एग्जाम का। तो ये वाला सर्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए अगर आपको इक्विटी डीलर बनना है तो। दोस्तों, ये जो एग्जाम होती है ये 2 घंटे की एग्जाम होती है, मतलब 120 मिनट्स की ये एग्जाम होती है। आपको सेंटर पे जाना पड़ता है और वहां पे आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछे जाते हैं, जिसके 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन ऐसे रहते हैं। 1 मार्क के लिए 1 क्वेश्चन होता है और इसमें पासिंग परसेंटेज जो होता है वो 60% पासिंग होता है। आपका 60% यहाँ पे मिलना जरूरी है तभी आप पास होंगे। और इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम भी है। नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम कुछ ऐसा है कि 4 आंसर अगर आपके गलत हो जाते तो 1 मार्क आपका कटेगा। दैट मीन्स 1 आंसर अगर आपका गलत होता है तो 0.25 मार्क आपके कटेंगे। तो ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम यहाँ पे है, इसका आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और दोस्तों, जैसे ही आपकी एग्जाम एंड होती है, आप एग्जाम एंड करोगे तुरंत आपको स्क्रीन पर पता चल जाता है कि आप पास हो गए या फिर फेल हो गए, और उसका प्रिंट आउट भी आपको दे दिया जाता है तुरंत तब के तभी सेंटर पर। दोस्तों, इस एग्जाम की जो फीस होती है वो होती है ₹1500 फॉर ईच अटेम्प्ट। मान लो आपने एग्जाम में अपियर किया, आप फेल हो गए, ठीक है, फिर से नेक्स्ट टाइम आप फिर से अप्लाई करोगे एग्जाम के लिए तो फिर से आपको ₹1500 देना पड़ेगा। तो एग्जाम की फीस है ₹1500। दोस्तों, एग्जाम पास करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 3 साल। 3 साल के बाद में वो सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो जाता है। अब 3 साल के बाद में उस सर्टिफिकेट को आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, 3 साल के बाद में आप जब सर्टिफिकेट को रिन्यू करोगे तो 2 ऑप्शन आपके पास में ओपन रहेंगे। उस टाइम पे 2 ऑप्शन आपके पास में रहेंगे। पहला ऑप्शन तो यह रहेगा कि आप फिर से एग्जाम पास करके अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कर लो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास में यह रहेगा सीपीई ट्रेनिंग अटेंड करके भी आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकते हो।
सीपीई ट्रेनिंग, सीपीई का फुल फॉर्म है कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन। ये जो ट्रेनिंग होती है एक दिन की ये ट्रेनिंग होती है, किसी होटल में ये जनरली ये ट्रेनिंग होती है, वहां पर पूरे एक दिन तक मतलब 7-8 घंटे की वो ट्रेनिंग होती है। वहां पे आपको बैठना पड़ता है, जस्ट आपको बैठने का ही काम रहता है, वो लोग कुछ लेक्चर देंगे वो आपको सुनना पड़ता है, फिर एंड में थोड़ा सा एक रिव्यू आपका लेते हैं और कुछ क्वेश्चन उसमें पूछेंगे। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि रिव्यू में आपको पास होना जरूरी है, जनरल एक फीडबैक टाइप वो रिव्यू रहेगा, वो देखिए आप आराम से अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकते हो। बट इसमें फर्क ये है कि एग्जाम तो 1500 रुपए में आपका काम हो जाएगा, एग्जाम की फीस 1500 रुपए होती है, बट सीपीए ट्रेनिंग की जो फीस होती है वो 2500 रुपए होती है, 1000 रुपए ज्यादा है इसमें, तो 2500 रुपए फीस होती है। अभी इतनी फीस क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ऐसी है कि ये जो सीपीए ट्रेनिंग ये लोग अटेंड करते हैं, ये किसी होटल में होंगी तो होटल का खर्चा है, वहां पे आपको ब्रेकफास्ट लंच वगैरह दिया जाता है तो उसका खर्चा है, तो कॉस्टिंग ज्यादा होने की वजह से वो 2500 रुपए आपसे चार्ज करते हैं। तो बट यहाँ पे एक टेंशन ये, आपको एग्जाम पास करने का टेंशन नहीं रहेगा, अगर आप सीपी ट्रेनिंग में गए तो 100% आपका सर्टिफिकेट रिन्यू हो जाएगा अगले 3 साल के लिए, ठीक है, एग्जाम पास करने का टेंशन आपके पास में वहां पे नहीं रहेगा। बट दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि सीपी ट्रेनिंग में अगर आप जाना चाहते हो तो सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के पहले ही आपको जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट एक्सपायर होने तक का वेट आपको नहीं करना है। सर्टिफिकेट के आपका जो सर्टिफिकेट एक्सपायर होने की एक महीने से पहले तक आप जा सकते हो सीपी ट्रेनिंग में। बट एग्जाम अगर आप पास करके सर्टिफिकेट को रिन्यू करना चाहते हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है, सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपायर हो गया उसके बाद भी आप एग्जाम देकर सर्टिफिकेट अपना नया डेट से बना सकते हो। दोस्तों इक्विटी डीलर बनने के लिए ये एग्जाम तो कंपलसरी होती है, इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये तो आपको पास करना ही पड़ेगा। बट इसके अलावा और भी एग्जाम आपको पास करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी ने आपके जॉब प्रोफाइल के लिए कौन सी एग्जाम सेट करके रखी है। जनरली वो 3-4 एग्जाम सेट करके रखते हैं, तो जो जो एग्जाम उन्होंने सेट करके रखी होंगी वो एग्जाम भी आपको पास करना पड़ेगा। जनरली जो इक्विटी डीलर के लिए कंपनी एग्जाम सेट करती है वो 2-3 एग्जाम सेट करती है, उसमें इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन ये तो कंपलसरी एक एग्जाम आपकी रहेगी। इसके अलावा वो म्यूचुअल फंड की सर्टिफिकेशन आपसे मांगेंगे, इसके अलावा एसओआरएमसी का सर्टिफिकेट आपसे मांग सकते हैं, जिसे सिक्योरिटीज ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। तो ऐसे ही 3-4 सर्टिफिकेट रहेंगे जनरली जो कंपनी इक्विटी डीलर से मांगती है। दोस्तों ये जो सर्टिफिकेशंस रहेंगे, अगर आप ऑन जॉब करते हो मतलब जॉब में रहते हुए आप ये एनआईएसएम की एग्जाम पास करते हो तो ये जो एग्जाम की फीस रहेंगी वो कंपनी पे करेंगी, बट आपका पास होना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम में पास होना जरूरी है। आप एग्जाम में पास हो गए तो जो भी फीस रहेंगी वो कंपनी आपके बिहाफ में पे कर देंगी, कंपनी अपने तरफ से पे कर देंगी, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट आपका पास होना वहां पे जरूरी है, ये ऑन जॉब में, ठीक है। जॉब के दौरान अगर आप कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हम जॉब कर रहे हैं हमारा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो रिन्यू करने की बारी है तो कंपनी आपको पे करेगी, या आप एक एग्जाम पास करके आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, इक्विटी डेरिवेटिव का आपके पास में सर्टिफिकेशन है, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में बाकी के 2-3 सर्टिफिकेट आप ले रहे हो, ठीक है, एनआईएसएम की एग्जाम दे रहे हो, तो कंपनी उसके लिए पे करेंगी आपको, मतलब रीएम्बर्समेंट करेंगी, पहले आपको फीस पे करना पड़ेगा, कंपनी से आपको रीएम्बर्समेंट मिल जाएगा। और दोस्तों एक एग्जाम पास करने के लिए आप कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हो, देयर इज नो लिमिट, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो बार आप फेल हो गए तो वापस से आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो एक ही एग्जाम में, इक्विटी डेरिवेटिव्स की ही एग्जाम में लगातार 15 बार फेल हुआ है, मतलब उसने लगातार 15 अटेम्प्ट लिए। तो आप कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हो, देयर इज नो लिमिट। दोस्तों आप सैलरी की बात करते हैं तो इक्विटी डीलर जॉब में आपको जो सैलरी मिल सकती है वो 2.5 लाख से लेकर तो 5 लाख के बीच आपका पैकेज हो सकता है। आप अगर फ्रेशर हो, बिल्कुल नए हो, जा रहे हो जॉब में, तो आपको 2-2.5 लाख का पैकेज मिल सकता है स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद में आप 2-3 बार जॉब स्विच करोगे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, 2-3 बार जॉब स्विच करोगे तो आराम से आप 4-5 लाख तक पहुंच जाओगे। एक एक साल में ही आपको जॉब स्विच करोगे तो आराम से आप 4-5 लाख के पैकेज पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से इक्विटी डीलर की सैलरी होती है। बट दोस्तों इक्विटी डीलर के लिए सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे मिलने वाला इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब कमीशन, कमीशन मिलता है इक्विटी डीलर को। तो कई कई इक्विटी डीलर तो ऐसे होते हैं जो अपनी सैलरी से ज्यादा इंसेंटिव के रूप में पैसा कमा लेते हैं, जितनी उनकी सैलरी नहीं है उससे कहीं ज्यादा वो इंसेंटिव के रूप में पैसा कमा लेते हैं। तो कंपनी एक टारगेट डिसाइड करके रखती है कि अगर आपका इतना सर्टन रेवेन्यू हुआ, ये सर्टन रेवेन्यू के ऊपर जो भी आपका रेवेन्यू बनेगा उस पर हम आपको कमीशन देंगे। मान लो कंपनी ने सेट करके रखा हुआ कि महीने का 1 लाख रुपए का ब्रोकरेज अगर आप करते हो, 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी आप ब्रोकरेज करोगे उस पर हम आपको 10% देंगे। मान लो आपने 2 लाख रुपए का ब्रोकरेज उस महीने में कर दिया तो 1 लाख रुपए का जो एक्स्ट्रा आपने किया उसका आपको 10% मतलब 10,000 रुपए का कमीशन मिल जाएगा।
तो इस तरीके से एक सर्टन लेवल के ऊपर अगर आप ब्रोकरेज बना के देते हो कंपनी को, तो कंपनी उस पर आपको इंसेंटिव मतलब कमीशन भी देती है, और वो अच्छा खासा इक्विटी डीलर के लिए होता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने इक्विटी डीलर जॉब के बारे में समझा, क्या काम आपको इसमें करना पड़ सकता है, क्या सैलरी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।